हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत और आप सबका गीत किचन में स्वागत है। आज हम नवरात्रि व्रत के लिए पनीर भुर्जी की सब्जी बनाएंगे। इस सब्जी को बनाने में सिर्फ 5 से 7 मिनट का ही समय लगता है और साथ ही इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम ग्रेट किया हुआ पनीर लिया है। इसके साथ ही यहाँ पर हम 1 छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर लेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इसके साथ ही 8 से 10 करी पत्ते लेंगे, 8 से 10 काजू, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लेंगे जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट के रख लिया है, 2 से 3 हरी मिर्ची लेंगे जिसे मैंने लंबे और पतले टुकड़ों में काट के रख लिया है, 2 से 3 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया लेंगे और इसके साथ ही 1 छोटा चम्मच चीनी लेना है। पनीर भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करेंगे। यहाँ पर आप तेल की जगह घी भी ले सकते हैं। तेल जब हल्का गरम हो जाए इसमें सबसे पहले काजू ऐड करेंगे और इसे धीमी आंच में 10 से 12 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। कुछ सेकंड फ्राई कर लेने के बाद जब काजू में हल्का सुनहरा कलर आने लगे इसमें हम हरी मिर्ची और टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ पर सारा टमाटर एक साथ ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा टमाटर हम बाद के लिए रखेंगे। मिर्ची और टमाटर ऐड कर लेने के बाद अब इसे इसी तरह चम्मच से हिलाते हुए हम कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। फ्लेम को इस वक्त मीडियम टू हाई के बीच में रखेंगे। टमाटर को काजू के साथ कुछ सेकंड फ्राई कर लेने के बाद अब इसे कवर करके 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। करीब 2 मिनट धीमी आंच में पका लेने के बाद टमाटर अब अच्छे से पक कर नरम हो गए हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और इसे मिक्सी में थोड़े से पानी के साथ पीस कर इसकी प्यूरी बनाकर तैयार कर लेते हैं। टमाटर और काजू को पीस कर इसकी प्यूरी बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। इसे पीसने में मुझे करीब आधा कप पानी लगा है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब कढ़ाई में हम 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल जब हल्का गर्म हो जाए इसमें सबसे पहले आधा छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जब जीरे का कलर थोड़ा चेंज होने लगे इसमें 8 से 10 करी पत्ते ऐड करेंगे। यहाँ पर आप चाहो तो इस वक्त आधा छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। करी पत्ते ऐड कर लेने के बाद अब इसमें हम छोटे टुकड़ों में कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे जिसे हमने पहले बचा के रखा था और इसे मिला लेंगे। टमाटर को हम इसी तरह चम्मच से हिलाते हुए करीब आधा मिनट के लिए पका लेंगे। कुछ देर फ्राई कर लेने के बाद जब टमाटर थोड़े नरम हो जाए इसमें हम टमाटर और काजू की प्यूरी ऐड करेंगे और इसे मिला लेंगे। फ्लेम को इस वक्त स्लो टू मीडियम के बीच में रखेंगे और इसे इसी तरह लगातार चम्मच से हिलाते हुए कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। कुछ सेकंड के बाद जब ग्रेवी में उबाल आना शुरू हो जाए इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे और इसे मिला लेंगे। सब्जी को मैंने थोड़ा कम तीखा बनाया है, आप चाहो तो इसमें मिर्ची की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। मसालों को मिला लेने के बाद अब इसे हम इसी तरह चम्मच से हिलाते हुए कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। जब मसाले और ग्रेवी अच्छे से फ्राई हो जाए और इनमें से तेल अलग होने लगे इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और इसके साथ ही हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे मिला लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेने के बाद अब इसमें हम ग्रेट किया हुआ पनीर ऐड करेंगे और इसे हल्के हाथों से मिला लेंगे। यहाँ पर मैंने पनीर को ग्रेट करके ऐड किया है, आप चाहो तो इसे हाथों से मसल कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। पनीर को ग्रेवी में मिला लेने के बाद अब इसमें हम करीब आधा कप पानी ऐड करेंगे और इसे मिला लेंगे। यहाँ पर पानी की मात्रा आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी थिक आपको ग्रेवी चाहिए उतना पानी इसमें ऐड कर लें। पानी मिला लेने के बाद अब इसमें हम उबाल आने देंगे।
जब ग्रेवी में हल्का उबाल आना शुरू हो जाए, इसमें एक छोटा चम्मच चीनी ऐड करेंगे और इसे भी इसमें अच्छे से मिला लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेने के बाद अब इसे हम कवर करके आखिरी के 1.5 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। फ्लेम को इस वक्त मीडियम में रखना है और इसे बीच बीच में चेक करते रहेंगे जिससे कि ग्रेवी कढ़ाई में लगे ना। करीब 2 मिनट हो चुके हैं इसे ढककर पकाते हुए, इसे एक बार चम्मच से मिला लें। अब हमारी पनीर भुर्जी बनकर तैयार है। अब हम फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत ही कम समय में बनकर तैयार होने वाली पनीर भुर्जी की सब्ज़ी बनकर तैयार है। ये सब्ज़ी सभी को बहुत पसंद आती है, इसे ज़रूर बनाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।